नमस्कार, केयर होम विद टीना में आज मैं आपके साथ एक फोल्डिंग ट्रे का आइडिया शेयर कर रही हूँ जो बनाना बहुत आसान है। और मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ ऐसा हमें बनाना सिखाएं, क्योंकि क्या होता है कि जब दुल्हा दुल्हन के जो रिश्तेदार होते हैं वो एक दूसरे को जब गिफ्ट देते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप दूसरी आउट सिटी में जा रहे हैं तो आपके सामान के साथ उनके जो हमने बनाए होते ऑर्गेनाइज़र वो ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतना सारा सामान और फिर अगर अलग से ऑर्गेनाइज़र ले जा रहे हैं तो एक उसका अलग से आपका लगेज हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र हो जो आप यूज़ करें, वहाँ जाकर उसे खोल के ऑर्गेनाइज़र बना लें और फिर उसे फोल्डिंग करके फिर से आप अपने साथ इसे ला सकते हैं और बिल्कुल भी जगह ना रोके। तो चलो शुरू करते हैं कि आज ये फोल्डिंग ट्रे मैंने जो है वो इस ऑर्गेनाइज़र की कैसे तैयार की है। ये आइडिया आपको ज़रूर से पसंद आएगा, तो क्रिएटिव आइडिया के शौकीन को मेरा ये वीडियो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फोल्डिंग डेकोरेटेड ट्रे बनाने के लिए मैंने लंबाई और चौड़ाई में 20-20 इंच का एक स्क्वायर टुकड़ा लिया है और साथ में 20 की लंबाई और 5 इंच की चौड़ाई का इस तरह के मैंने 4 पीस लिए हैं। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमारी जो ये लंबाई है वो सेम ही रहनी चाहिए 20-20, और आप जितनी भी चौड़ाई छोटी बड़ी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर साड़ी का या तो ब्रोकेट के कपड़े का या आपके पास कोई दुपट्टा है तो आप इस तरह के सिल्क के दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी एक साड़ी में से इसको बना रही हूँ और इसके लिए मैंने ये साड़ी के टुकड़े को रेंडमली काटा है और इसके ऊपर इस तरह से इसे अरेंज कर दिया है हमारे जो पीसी से कार्डबोर्ड के उनको, और इस पर मैं ग्लू गन से पहले इसके बीच के भाग को मैं चिपका रही हूँ। और बीच के भाग को हमें इस तरह से चिपका लेने के बाद इसके जो चारों बाजू के 4 अलग अलग हमने पीसेस काटे हैं उसे भी हमें थोड़ा थोड़ा अंतर इस वाले से रख कर हमें चिपकाना है। बिल्कुल हमें नज़दीक नहीं चिपकाना है, बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसमें अंतर रखना है जिससे हम जब इसे मोड़ना चाहे तब ये आसानी से फोल्ड हो सके। तो आप इस तरह से इसे ग्लू गन या तो फेविकोल की मदद से या तो फैब्रिक ग्लू की मदद से आसानी से इसे इस तरह से चिपका सकते हैं और ये बहुत ही आपके काम की ट्रे आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चारों भाग को चिपका दीजिए और बीच में इतना इतना अंतर रखिए। और इस तरह से चिपका देने के बाद हमने ये जो बीच का जो टुकड़ा है उस पर हमें सेम जैसा हमने ऊपर का कपड़ा जो है उतनी ही नाप का काटना है जितना हमारा नीचे का कपड़ा है। तो इस तरह से हम सेम आपका एक दूसरा कपड़ा काट कर इसके ऊपर हम बीच से इसको लगाना शुरू करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको इसे बीच से लगाना शुरू करना है और इस तरह से आप इसे चिपका दीजिए और बाद में धीरे धीरे आप इसके जो चारों कॉर्नर है उस पर आप ग्लू गन की मदद से या तो फैब्रिक ग्लू की मदद से इसे आसानी से चिपका सकते हैं। फिर आप इसके एक एक भाग को इस तरह से चिपकाते जाइए और इस पर आप जो है कपड़े को रख के इसकी बिल्कुल फिनिशिंग से ये दोनों कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के आपको चिपकाना है, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं सिलाई नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें चिपकाने टाइम ये बात का ध्यान रखना है कि हम जो चिपका रहे हैं वो बिल्कुल भी इसमें हमारी जो चिपकाया है उसका दिखना नहीं चाहिए और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है आसानी से इसको जो है चिपका सकते हैं और इसका जो बाकी का भाग है इसको अंदर फिनिशिंग से मोड़ दीजिए और इस तरह से आप इसको चारों बाजू से मोड़ के तैयार कर दीजिए। कॉर्नर पर आप खास ध्यान रखिए और थोड़ा सा ज़्यादा ग्लू गन या फेविकोल लगा के इसे चिपकाइए। अब इस तरह से चिपका लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर मैं जो है इसके ऊपर के जो भाग पे हमने ये दो जोड़ा रहे हैं वहाँ पर आपके पास कोई डेकोरेटेड लेस है तो आप उसे उसके लगा सकते हैं ग्लू गन की मदद से। मैं यहाँ पर एक गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ। मैंने यहाँ रेड कपड़े को या ग्रीन कपड़े को इसलिए पसंद किया है कि हम कभी भी अपने जो फेस्टिवल होते हैं या तो शादी ब्याह के मौके होते हैं उसमें इसी तरह के शगुन के कलर का यूज़ करते हैं। तो आप इसको इस तरह से चारों बाजू से हमने गोल्डन कलर की लेस से इसको लगा देना है और लगा लेने के बाद ये दोनों बाजू से सेम लग रहा है। अब हमें ये जो मेरे पास दूसरा ग्रीन कलर का दुपट्टे का कपड़ा था उसमें से मैंने छोटे छोटे से पीसेस काटे हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जो है अपने काट सकते हैं सर्कल, और फिर इसको मैंने इस तरह से इसमें जो है लेस लगा दी है मोती की। और इसके कॉर्नर पर हमें इस तरह से कॉर्नर से पकड़ना है हमें कपड़े को, बीच से नहीं पकड़ना, और इस तरह कॉर्नर से पकड़ कर हमें इसके बीच में ये हमारी जो गोल्डन डोरी है उसको रख कर सिल लेना है। तो हमारा लटकन तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आसान है और मिनटों में तैयार हो ही जाएगा। हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे लटकन और बिल्कुल जीरो कॉस्ट तैयार होंगे, क्योंकि लेस तो हमारे पास होती है तो हमें उसी का यूज़ करना है।
अब क्या है कि ये जो ले तैयार हो गया है उसके बाद मैंने इसकी जो ये चौरस हमारे 20x5 इंच की जो बॉर्डर थी उस पर मैं जो है लेस लगा रही हूँ। अब ये लेस मेरे पास इतना बड़ा नहीं था तो मैं इस तरह की जो ये छोटी लेस है उसी को 3 बार यूज़ करके लगाया है। आपके पास कोई चौड़ी बॉर्डर है तो आप यहाँ पर इस पर लगा सकते हैं। और अब हमने जो ये लटकन तैयार किए हैं उसे आप इसे कॉर्नर पर इस तरह से लगा दीजिए। कॉर्नर पर हमें इसके जो है चारों बाजू लगा देना है तो कुल हमारे को 8 लटकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इस तरह से 8 लटकन जो है इसके हर कोने पे 2-2 करके लगा देंगे और इस तरह से हमारी ये ट्रे तैयार हो गई। बिल्कुल आसान है और ये हमारी जो है ट्रे बहुत काम की है। इस तरह तैयार हो जाने के बाद आपको इस ट्रे को उल्टा कर देना है और अब हमें इसके 2 भाग को इस तरह से उठाना है। उठाने के बाद हमें इसके जो 2 लटकन है कॉर्नर पे उसको एक साथ में बांधना है और इस तरह से जब हम इसे चारों बाजू से बांध लेंगे तो हमारी बहुत प्यारी सी ट्रे तैयार हो जाएगी जिसमें हम बहुत कुछ अपना अरेंज कर सकते हैं। और ज़रूरत नहीं है कि शादी के बाद आप जब है इसको आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं, कई जगह पर आप इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। और देखिए हमारी ट्रे तैयार हो गई कितनी प्यारी है। इसके भी बहुत सारी चीज़ें हम अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही प्यारी ट्रे लग रही है हमारी। अब जब हमें इसका काम नहीं है तब हम इसकी दोरियाँ खोल देंगे तो ये फिर से हमारा एक स्टेप हमारे पास जो है इसका मटेरियल मिल जाएगा। बिल्कुल ईजी है, इसको कहीं पे भी जब रखना है तो आसानी से आप रख सकते हैं क्योंकि अब ये कोई जगह भी नहीं घेर रहा है। और जब आप चाहें तब इस तरह से दुल्हन को आप गिफ्ट में देना चाहते हैं तो इस तरह से सब डेकोरेट करके दे सकते हैं। बाजू में मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी है जो कलर के डिब्बों से मैंने बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। इसमें आप ज्वेलरी को अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें इसमें अरेंज कर सकते हैं।